अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्थ जो कि 7.8 बिलियन लोगों का घर है और अगर सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट से कंपेयर करें तो किसी जन्नत से कम नहीं। दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इंसानों की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या इससे अर्थ के वज़न में भी कुछ फ़र्क पड़ता होगा। इसका जवाब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्टिंग भी, तो आज हम जानेंगे इस सवाल का जवाब और मैं आज आपको अर्थ का वेट और प्राइस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपके हिसाब से अर्थ का प्राइस कितना होगा? अगर अर्थ के सारे मटेरियल्स, मिनरल्स और एलिमेंट्स को आज की मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करें तो अर्थ की प्राइस 15.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स बनती है, जबकि पूरे वर्ल्ड का GDP बस 75 ट्रिलियन डॉलर्स है। दरअसल किसी चीज़ की प्राइस सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड होती है। अगर एलियंस को हमारी जैसी और भी अर्थ मिल गई तो प्राइस घट भी सकती है और बढ़ भी। दोस्तों, अर्थ का वेट बताने से पहले हमें वेट और मास में फ़र्क समझ लेना चाहिए। वेट जो कि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, अगर आपका वेट अर्थ पर 90 किलोग्राम्स है तो मून पर सिर्फ 13 किलोग्राम्स रह जाएगा, लेकिन अगर आपका मास अर्थ पर 62 किलोग्राम्स है तो वो मून पर भी 62 ही रहेगा। इसीलिए अर्थ का मास है 7 सेप्टिलियन किलोग्राम्स, मतलब 7 के आगे 24 जीरो। दोस्तों, हर साल अर्थ पर 130 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या इससे अर्थ का वेट बढ़ रहा है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल अर्थ एक क्लोज सिस्टम और हम सब एनर्जी से बने हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब कि अर्थ के मटेरियल बस इंसानों में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अर्थ का वज़न हर साल 40,000 मैट्रिक टन इंक्रीज होता है, इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि कॉस्मिक डस्ट, पार्टिकल्स, एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े और स्पेस डेब्रिस की वजह से। लेकिन अर्थ इससे ज़्यादा वज़न गैस की सूरत में लूज़ कर रही है। हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स जो कि सन की हीट से एक्साइट होकर इतना फास्ट मूव करते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं। हर सेकंड अर्थ 3 किलोग्राम हाइड्रोजन लूज करती है और हर साल 95,000 मैट्रिक टन। एक मैट्रिक टन 1,000 किलोग्राम होता है। इसका मतलब हमारी अर्थ का वेट बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।